वैसे तो आप 1986 से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और 1999 के आसपास आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा के सेवा में समर्पित किया है। आप विशेष कॉरपोरेट सेवा में अभी ORC में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं पिछले 2 दशक से भी ज्यादा, और विशेष आपका कॉरपोरेट सेवा में काफी अच्छा योगदान रहा है। ट्रेनिंग सेंटर के आप कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ के, और आप यूथ सेवा के अंदर भी बहुत एक्टिव हैं, और पर्सनली हमने जो अनुभव किया है फाल्गुनी बहन का, कि बहुत ही सरल, सहज, मृदुल, सिंपल आत्मा है, बहुत ही प्यारी आत्मा है, और उनकी सहजता, निर्माणता सभी को बहुत आकर्षित करती है। तो आज हमारे साथ फाल्गुनी बहन जुड़े हैं, और फाल्गुनी बहन वैसे तो कैलिफोर्निया की आत्माएं नहीं, लेकिन सारे अमेरिका से जुड़ते हैं इस जूम पर, भारत से भी जुड़ते हैं, कनाडा से भी जुड़ते हैं। तो हम सभी आज की शाम को हमें इतनी सुंदर सेवा देने के लिए फाल्गुनी बहन का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम। ओम शांति। एक मिनट, साइलेंस में बैठ करके हम शुरुआत करते हैं। इन दिस 1 मिनट साइलेंस, डीप कनेक्शन बाबा के साथ महसूस करें। ओम शांति। अगर कोई आवाज बाहर से हो रही होती है ना, जब हम किसी चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और बाहर कोई आवाज हो रही हो, तो वो क्या करती है? डिस्टर्ब करती है ना? इसी तरह से ना, हमारे संकल्पों के अंदर हमारे संकल्प भी, हम अगर परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए या कोई भी जो कार्य कर रहे उसमें फोकस होते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी बैकग्राउंड नॉइस है ना, या को और वॉइस है, तो वो भी क्या करती है? मन को क्या करती? डिस्टर्ब करती है। तो हमें चेक करना है कि हमारे यहाँ बैकग्राउंड में वॉइसेस और नॉइसेस तो नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर मन जितना शांत रहता है ना, उतना मन शक्तिशाली होता है। तो अभी हम शांति में बैठे 2 मिनट, तो उस समय पर एक शिव बाबा के सिवाय बुद्धि कहीं और गई, चेक करिएगा।
हर एक अपनी चेकिंग करिए, उस एक मिनट दो मिनट जो भी हम साइलेंस रहे, वो सिर्फ बाबा उसमें था बुद्धि में या कुछ और भी था? अगर कुछ और था तो वो है बैकग्राउंड वॉइस या नॉइस। तो जो वो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, वो हमें ठीक करना है, क्योंकि हर चीज का बैकग्राउंड होता है। तो आज हमारा बहुत ही अच्छा विषय पर चर्चा रखी है, वो है संकल्प से सिद्धि। तो वैशाली बहन ने के बताया, जैसे कि हमारा बहुत पुराना संपर्क है, बिकॉज वी बिलोंग टू सेम सेंटर, है ना, हम दोनों एक ही सेंटर से हैं, और बहुत अच्छा ना लगता है आपने आगे बढ़ रहे हैं और ना इस प्रकार की सेवाएं भी कर रहे हैं, और आज विशेष बुलाया है, निमंत्रण दिया, आप सबसे मिलने का मौका भी मिला है। तो कुछ बातें हम शेयर करेंगे, कोई क्लास नहीं होंगी, लेकिन हम आपस में शेयरिंग करते हैं, ठीक है। और जो जीवन के हर एक आत्मा के बाबा के बच्चे बने हैं, तो हर एक के अनेक अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों के साथ हम कैसे अपने आप को एनरिच करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। संकल्प से सिद्धि, इस विषय पर अगर देखें तो बाबा ने हमें बहुत सारी बातें मुरलियों द्वारा बताई हैं कि हमारे संकल्प कितने पावरफुल होते हैं। इनफैक्ट कोई भी नया बच्चा पहली बार भी सेंटर पर आता है ना, कोर्स करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है ना, उसमें पहला विषय होता है स्वयं के बारे में, और स्वयं के बारे में पढ़ाए उसमें भी हम मन के बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें मन विचार करने की शक्ति, एक ऊर्जा जो हम कंटिन्यूस थॉट क्रिएट कर रहे हैं सारा दिन में, और जितने हमारे संकल्प ज्यादा होते हैं तो वो हमारी एनर्जी को क्या करते, ड्रेन करते हैं। जैसे लौकिक में भी अगर हम देखें ना, कि इफ किसी को बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं ना, तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो उनको हैंडल करना उनको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बच्चा है तो उसको बहुत अच्छी, एक दो बच्चा है उसको बहुत अच्छे से परवरिश देते हैं। इसी तरह से जितनी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसकी क्वालिटी कम होने लगती है, और जितनी ना कम क्वांटिटी होती है, उतनी क्वालिटी ज्यादा होती है। तो हमारे थॉट्स जो है वो भी तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और जितने हमारे थॉट्स की क्वालिटी एलिवेटेड है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, प्योर है ना, हमारे इंटेंशन में प्योरिटी है, तो वो पावरफुल विचार है, और वो हमें सिद्धि प्राप्त कराते। सिद्धि का अर्थ क्या होता? सिद्धि का मतलब है एक अचीवमेंट या सक्सेस जिसको कहें। तो जो दुनिया में भी हम कई सारे स्क्रिप्चर्स आदि पढ़ते हैं या कोई ऐसा, तो कहते कि उन्होंने इतनी तपस्या की, उस तपस्या के बाद इस सिद्धि को हासिल किया। तो सिद्धि हासिल करने के लिए तपस्या के, तपस्या अर्थात कॉन्स्टेंट फोकस्ड थॉट्स के ऊपर एफर्ट्स करना, क्योंकि हम अच्छे विचार तो करते हैं, है ना, लेकिन उन अच्छे विचारों पर फोकस्ड रहना और उनको कर्म में लाना और उसको उस लेवल तक पहुंचाना जिसको हम सिद्धि कह सके, यानी कि एक्सपर्टी उसके अंदर आ जाना, तो वो चीज हमारी तपस्या है। तपस्या कोई बस बैठकर कुछ रटना नहीं है, लेकिन हमारी तपस्या है कि हम अपने जो शुद्ध सकारात्मक विचार है, उन विचारों पर कितना फोकस्ड रहते हैं।
मन विचार करने की एक बहुत बड़ी शक्ति जो हर एक के पास है, लेकिन अब कौन कैसे संकल्प क्रिएट करता है वो हम सबको डिफरेंट कर रहा है। संकल्प सभी कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है और कितना उन संकल्पों को हम सस्टेन करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वहीं पर कोई बहुत बड़ा सिद्धि हासिल कर लेता है, कोई फेलियर फील करता है ना। क्यों? क्योंकि उन संकल्पों की सस्टेनेंस हम कितनी कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस में कितना ला रहे हैं। जैसे एक एथलीट होते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे एक गोल्ड मेडल प्राप्त करने के, जस्ट टू अचीव वन गोल्ड मेडल वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और अचीव भी कर रहे हैं। उनको पूछते हैं कि हाउ मच यू प्रैक्टिस, बताते हैं। अगर कोई स्विमिंग कर रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है या कोई कोई स्पोर्ट्स में है या कोई पढ़ाई में अचीव करना चाहते हैं तो उनको पूछते तो बोलते हैं हम 18 घंटे 20 घंटे भी पढ़ाई करते हैं या 16-16 घंटे 18-18 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट ज्यादा सोते नहीं, 1 ग्राम खाना ज्यादा खाते नहीं, फोन को टच करते नहीं है जब तक अपना उस लक्ष्य को मेडल को हम अचीव ना कर ले। हम इतना फोकस्ड होते हैं, नो पार्टीज, नहीं कोई और चीजों पर नहीं, जो हमें कोच सिखाता है या जो हमारे टीचर सिखाते हैं उस पर फोकस्ड होकर के हम मेहनत करते हैं ना? और वो मेहनत में भी ना श्योरिटी नहीं होती कि फर्स्ट आएंगे ही या गोल्ड मेडल मिलेगा ही। 1 सेकंड के डिस्टेंस में, जस्ट इन 1 सेकंड के डिस्टेंस में भी सेकंड नंबर हो जाता है, गोल्ड से सिल्वर हो जाता है। सी कुछ सेकंड्स के, 1 सेकंड का भी डिफरेंस हुआ तो भी गोल्ड से सिल्वर हो जाता है, होता है ना। और जो अचीव किया, समझो किसी ने गोल्ड मेडल अचीव कर भी लिया है ना, वो गोल्ड मेडल अचीव करने के बाद वो उसी वर्ष के लिए है या उसी टाइम पीरियड के लिए है। अगली बार फिर कंपटीशन होगा, फिर उसको गोल्ड अचीव करना है तो फिर से उतनी एफर्ट्स करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, है ना। और जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसकी 100% गारंटी नहीं है। और यहाँ शिव बाबा जो हमारा कोच है, जो हमारा टीचर है, हमारा मेंटर है, हमारा गाइड है ना, वो हमारा सच्चा सद्गुरु, वो सद्गुरु हमें गारंटी करता है, 100% गारंटी कि तुम्हें क्या मिलेगा, 21 बर्थ है ना, यानी 2500 साल के लिए ना, सिर्फ सत्युगी दुनिया गोल्डन वर्ल्ड मिलने वाली है ना, जिस मिलने ही नहीं वाली, जिस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक भी नहीं कर सकता है ना, जिसको कोई छीन नहीं सकता। 2500 साल के लिए वो मेडल आपका है, वो दुनिया आपकी है, बाबा कहते हैं ना। अब हम अपने आप को चेक करें, वो एक गोल्ड मेडल लेने के लिए 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, और कितने महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं, कितने फोकस्ड होकर प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने को चेक करें, हमें गोल्डन दुनिया चाहिए और वो भी 2500 साल के लिए चाहिए, और वो भी ना कोई छीन नहीं सकता ऐसी दुनिया चाहिए, तो हमारी प्रैक्टिस कितनी है, हम कितने घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने आप को हम चेक करें, क्या जो हम अभी एफर्ट्स कर रहे हैं उस आधार से वो वाली सिद्धि हमें हासिल होंगी जो हम
को बाबा ने बताया कि मैं तुम्हें ये देने आया हूं 2500 साल के लिए सुख शांति का गोल्डन वर्ल्ड। तो वो गोल्डन वर्ल्ड प्राप्त करने के लिए क्या मैं ना इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, उसको हमें चेक करना है। बाबा कई बार मुरलियों में हम बहुत सहज रूप से डिवाइड करके भी देते हैं कि 8 आवर्स रेस्ट करिए, 8 आवर्स आप अपनी जॉब करिए, उसके बाद भी 8 आवर्स बचते हैं, उसको मुझे याद कीजिए, है ना। तो 24 आवर्स को बाबा ने ऐसे डिवाइड किया, आधी एक घड़ी आधी घड़ी आधी की भी आधी घड़ी ना मुझे याद करो। एक घड़ी माना क्या, जो क्लॉक होती है ना उसमें 12 आवर्स का 1 से लेकर 12 तक लिखा होता है, उसको एक घड़ी कहा जाता है। यानी कि 12 आवर्स मुझे याद करो, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी यानी 6 आवर्स कम से कम याद करो, है ना। आधी घड़ी नहीं तो उसकी भी आधी यानी कि एटलीस्ट 3 आवर्स तो याद करो मुझे ना? अब हम अपने आप को चेक करें, हमारी याद का चार्ट, हमारी पढ़ाई का चार्ट कैसा है। जितना हम अपने इन एफर्ट्स पर ध्यान देते हैं ना, उतना ही हमारी हाइट ऑफ अचीवमेंट होगी। क्योंकि जैसा सीड होता है उसी क्वालिटी का फ्रूट मिलता है, बदल कर दूसरा नहीं बन जाता। तो जैसे मेरे थॉट की क्वालिटी है, अभी मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ, थॉट अच्छे हो, जैसे एक सीड अच्छी क्वालिटी का ले भी लिया लेकिन उसको नर्चर नहीं किया, सही समय पर पानी नहीं दिया, या कीटाणुओं से या जानवरों से ध्यान नहीं रखा ना, तो वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसका ध्यान भी रखना इतना जरूरी होता है, सस्टेनेंस देना जिसको कहते हैं, है ना, तो उसको नारिश करना होता है। इसी तरह से हम अपने संकल्प में भी ना, हमें ऑल द टाइम बाबा कहते हैं ना कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो क्या मुझे वो वर्षा, यानी कि जैसे हम एक मैंगो सीड सॉ करते हैं तो हमारी बुद्धि में मैंगो आता है कि वो इसमें ये फ्रूट आएगा, तो फ्रूट के ऊपर अटेंशन, और इसी उस फ्रूट को पाने के लिए हमारे उसकी सस्टेनेंस ट्री की चलती रहती है। इसी तरह से बाबा कहते हैं वर्षा याद करो, तो वर्षा याद आएगा तो ऑटोमेटिक एफर्ट्स भी हमारी होंगी कि मुझे कौन सी कौन से लेवल पर जाना है। अगर वो मुझे याद रहेगा तो मेरे एफर्ट्स भी, इसको कहते हैं लक्ष्य को याद रखना। जब हमारा लक्ष्य की स्मृति है तो उस अनुसार लक्षण भी आते हैं। अगर लक्ष्य की स्मृति नहीं है, लक्ष्य ले तो लिया लेकिन याद नहीं है, तो क्या होगा, लक्षण वैसे नहीं रहेंगे यानी कि एनर्जी फोकस्ड नहीं रहेगी ना। सपोज आपने कई डेस्टिनेशन किसी जगह पर जाना है ना, और वो जाना कहाँ है वो भूल गया तो ना, रास्ते तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं रास्ते में, है ना, कभी वन वे आता है, कहीं पर यू टर्न आता है, कहीं सिग्नल्स आते हैं, कहीं पर ऐसे रास्ते आ जाते हैं जो ना कंफ्यूज करने वाले भी होते हैं। अगर हमें अपना डेस्टिनेशन अंदर में लक्ष्य क्लियर है तो रास्ता हम भटकेंगे नहीं। अगर साइट सीन में चले जाते हैं, अच्छा यहाँ पर ये है चलो ये भी देख ले, अच्छा यहाँ ये है चलो ये भी देख ले, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे ना। एक टाइम पीरियड होता है, रेस में दौड़ने वाला जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका भी एक टाइम पीरियड होता है ना, भाई ये फिनिश लाइन तक पहुंचना है। अब ये फिनिश लाइन तक पहुंचना है, दौड़ना शुरू करते हैं, जो पहला पहुंच गया उसके बाद तो रेस ओवर हो जाती है ना। अगर कोई साइड ट्रैक होता है, डिस्ट्रैक होता है कि दूसरा कहाँ तक पहुंचा, पीछे मुड़कर देख लूं थोड़ा,
तो वो अपनी जो अचीवमेंट है वो कर पाएगा, कर पाएगा ना, वो अचीव कर ही नहीं सकता। रेस में दौड़ने वाला जो बच्चा होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो उसको सिर्फ फिनिश लाइन दिखाई देती है, नथिंग एल्स, ओनली फिनिश लाइन, है ना। वो अपने और दूसरे जो साथ में दौड़ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको नहीं देखता, उसको फिनिश लाइन दिखाई देती है और उस अनुसार वो अपनी एफर्ट्स करता है और उसे अचीव करता है। इसी तरह हमारे संकल्पों के अंदर भी हमें सिद्धि चाहिए, तो हमें भी क्लैरिटी चाहिए हमारी फिनिश लाइन क्या है। बाबा तो एवरी डे रिमाइंड करता है मुरली के अंदर, एवरी डे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद दिलाता है, व्हाई यू आर हियर, ना संगम युग पर आप क्यों हो, ना आपको कहाँ जाना है। एवरी डे मुरली से बाबा हमें याद दिलाता है हमारा लक्ष्य है ना। लेकिन क्या हम अपने आप को भी याद दिला रहे हैं? अगर हम अपने आप को याद नहीं दिला रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो हमारी एनर्जी फोकस नहीं हो पाती है। और जो हम संकल्प करते हैं उसमें ताकत नहीं होती है, उसमें जो अचीवमेंट या सिद्धि हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में चले जाते ना, किसी अट्रैक्शन में आ गए, किसी डिस्ट्रैक्शन में आ गए ना, कहीं साइट सीन में चले गए ना, तो वहां पर हमारे जो फोकस था वो फिनिश है ना। तो अगर हम सचमुच में वो अचीवमेंट चाहते हैं कि जो बाबा कहता है मैं वैसा बनकर दिखाऊं, तो उसके लिए हमें याद रखना होगा कि हम क्या बनने के लिए आए। क्योंकि संगम युग का बहुत छोटा सा समय, ब्रह्म बाबा ने हमें दिखाया, एग्जाम्पल है हमारे सामने, सैंपल है कि 33 इयर्स ऑफ संगम युग फॉर ब्रह्म बाबा, उन्होंने अपने उस टारगेट को अचीव कर लिया। बाबा ने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को बिठाया, भाई आप एग्जाम्पल हो, सैंपल हो सबके लिए, है ना। तो एक आत्मा जिसको शिव बाबा ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान को जिसने अपने जीवन में आत्मसात किया, धारण किया, प्रैक्टिकली सब कारोबार करते हुए कौन सी चैलेंजेस नहीं आई बाबा के पास? ब्रह्मा बाबा के पास कम चैलेंजेस थी क्या? समाज की भी थी, परिवार की भी थी ना, और उसके साथ साथ उस समय पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी चल रहा था, कितने कुछ चैलेंजेस आए, फिजिकल चैलेंजेस भी आए होंगे, मेंटल चैलेंजेस भी आए होंगे, है ना, रिलेशंस के भी चैलेंजेस आए होंगे, कितनी कुछ बातें, मीडिया के चैलेंजेस भी थे, है ना, बाबा के लिए क्या क्या कुछ लिखा। लेकिन जब खुद को क्लैरिटी थी कि जो कार्य हम कर रहे हैं परमात्मा श्रीमत पर कर रहे हैं और फोकस थे, तो अपने एफर्ट्स करते गए और हर चैलेंज को वो पार करते गए, तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा सैंपल एग्जाम्पल है ना? ट्रेन का जैसे इंजन होता है फ्रंट में होता है वो, और वो जो भी फेस करता है फ्रंट से फेस करता है, उसके पीछे जो डिब्बे हैं वो साइड से फेस करते हैं, लेकिन इंजन को थ्री फेस, सामने से और साइड से दोनों फेस, तीनों प्रकार से फेस करना पड़ता है, लेकिन जो डिब्बे होते हैं उनको सिर्फ साइड से ही फेस करना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा इंजन है हमारा, उसने सामने से फेस किया, हमारे सामने उससे बड़ी कोई भी चैलेंज आने वाली नहीं है, ऐसी कोई
कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आ सकती है जो ब्रह्मा बाबा ने फेस नहीं की। तो ब्रह्मा बाबा अगर फेस करके पास होते हैं, नंबर वन बनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं तो हम बच्चे भी कर सकते हैं। ये सुनो, है ना? तो ब्रह्मा बाबा फ्रंट में है, सबसे आगे ना, और सैंपल एग्जाम्पल, इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फॉलो फादर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हर एक एग्जाम को क्रॉस किया है, उसको पास किया है। तो मम्मा जो बहुत ही बाबा का राइट हैंड, हर एक कार्य इशारे से करने वाली, जब 1965 में मम्मा चली गई तो वो भी एक चैलेंज थी ना। बाबा ने कितना कितना अच्छे से उसको डील किया था, है ना? तो हर प्रकार के चैलेंजेस आई, स्थान भी बदलना पड़ा, ना? हर एक चीज को देखा बाबा ने, ना? और बहुत ही निश्चय बुद्धि बन करके, एक बल एक भरोसे के साथ, ना? पूर्ण निश्चय के साथ बाबा आगे बढ़ते थे। तो हमें हमेशा अपने सामने कोई भी बात आ जाए तो उस समय तुरंत याद करना कि ब्रह्मा बाबा ने इस चैलेंज में क्या किया, मुझे वो करना है। जब हम उन चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे, फॉलो करेंगे, तो उसको क्रॉस कर लेंगे। जैसे स्कूल में विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो हर कोई पढ़ने के लिए जाता है तो पास होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जाता है। कोई भी स्कूल में एडमिशन फेल होने के लिए तो नहीं लेता, या कम मार्क्स मिल जाए मुझे चलेगा, पास नहीं हूं मैं चलेगा, ऐसा तो नहीं समझते हैं, है ना? हर एक बच्चा स्कूल में जाता है इसीलिए कि मैं पढ़ करके अच्छे नंबर उससे पास हो जाऊं, है ना? और उसके लिए ना, फेल तो कोई भी नहीं होना चाहता, लेकिन एफर्ट्स किसके कितने हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स है क्लास में, टीचर 100 के 100 को एक जैसा पढ़ाते हैं, किसी को भी कम या ज्यादा नहीं पढ़ा रहे ना, जितनी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है वो सारी सब्जेक्ट उन सभी बच्चों को पढ़ाई जा रही है, एक जैसी पढ़ा रही, एक जैसी ड्यूरेशन भी मिलती है बच्चों को, ठीक है ना? तो एक जैसी शिक्षा मिली, एक जैसा समय मिला, उसी समय के अंदर कोई बच्चे हैं जो 100 out of 100 मार्क्स भी लेते हैं, और कोई डिस्टिंक्शन मार्क्स लेते हैं, कोई फर्स्ट क्लास में, कोई सेकंड क्लास में पास होते हैं, कोई पास मार्क्स लेते हैं, और कोई फेल भी हो जाते हैं। क्लास तो एक ही थी, ड्यूरेशन भी सेम थी, और टीचर भी सेम थे, और पढ़ाई भी सेम थी सबके लिए, फिर भी डिफरेंट रिजल्ट क्यों? किसने कितना उस अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, उसका वैसा उसको रिजल्ट मिला। हंड्रेड में से 100 लेने वाले ने अपना कितना फोकस किया, और जो फेल हुआ उसने अपने साथ क्या किया, वैसे रिजल्ट्स को उन्होंने अचीव किया। ऐसे शिव बाबा संगम युग पर भी, और जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट भी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो बच्चे अपने से आगे बढ़ने वाले, अच्छा पढ़ने वाले ना, स्कॉलर्स के ना सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, अपने से आगे बढ़ने वाले को देखते हैं ना, हम पीछे वाले को नहीं देखते। अगर पीछे वाले कम वाले को देखेंगे तो हम जैसी उन्नति करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑलवेज बाबा कहते फॉलो ब्रह्मा क्यों, क्योंकि वो नंबर वन है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा फॉलो ब्रदर और सिस्टर और एक्स वाई जेड, हमेशा कहा फॉलो ब्रह्मा बाबा, फॉलो फादर। तो निराकार रूप में फादर शिव बाबा है,
और साकार अलौकिक रूप में ब्रह्मा बाबा है, तो उसको फॉलो करना है हमें ना, बिंदु रूप बनना है और अलौकिक फरिश्ता रूप बन करके अपने कर्म व्यवहार में हमें आना है, और तभी हम अपने कर्मों के अंदर कुशलता यानी एक्सपर्टी ला सकते हैं। देखिए विधि है ये, कोई भी संकल्प हम करते हैं तो संकल्प में हमें सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं होती, उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं कोई विधि में अंतर पड़ जाता है। अगर हम विधि पूर्वक नहीं करते हैं, भक्ति के अंदर भी अगर हम देखें तो विधि का ही तो इम्पोर्टेंस है ना। वो पंडित जी जो होंगे वो कराएंगे पूजा या समथिंग, जो भी उनके रिचुअल्स होंगे ना, तो उसकी विधि बताएंगे, या चर्च में जाएंगे या जहाँ पर भी, जैसे नमाज भी पढ़ते, उसकी विधि है ना, वो विधि को वो लोग ध्यान में रखते हैं और वो विधि पूर्वक करते हैं तब उसका कहते फल मिलेगा, सिद्धि मिलेगी। तो दुनिया के अंदर भी विधि का बहुत ध्यान रखा जाता है ना, मेथड कि किस तरह से एक चीज करनी है हम, उसका ध्यान रखा जाता है ना। अगर वो ठीक नहीं हुई तो कहते कि भाई इसीलिए सिद्धि नहीं हुई ना, इसीलिए फिर से करो पूरा, अगर एक मिस्टेक हो गई फिर से करो पूरा, है ना। जैसे किसी ने व्रत भी किया तो व्रत के अंदर भी क्या करेंगे कि भाई विधि ये है, इस प्रकार से व्रत करना ना, अगर उसके अंदर एक चीज कुछ हो गया, भूल से कुछ एक दाना भी खा ले, कहते व्रत टूट गया है ना, अब इसकी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? कि भाई जो विधि है कि भाई अन्न नहीं खाना है तब ये प्राप्त करेंगे, तो वो विधि में जो अन्न खा लिया तो वो उनकी भक्ति के अंदर ये भावना, तो वहां पर भी विधि का ध्यान रखते। तो अल्पकाल की विधि को अपनाते हैं, रिद्धि सिद्धि को अपनाते हैं तो भी कुछ ना कुछ प्राप्ति कर लेते हैं, करते हैं ना। तो हमको तो सच्चा ज्ञान मिला है, सच्ची विधि मिली है, और वो भी किससे, जो परम सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, उस परम सत्य परमात्मा से हमें सत्य विधि मिली है, तो हमें सिद्धि क्यों नहीं मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन सिद्धि उसी को प्राप्त होती है जो विधि पूर्वक करता है, और विधि में अंतर पड़ जाता है तो फिर सिद्धि में भी अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने विधि हमें बताई, शिव बाबा से एनर्जी लेने की भी विधि बताई, बाबा की सहयोग लेने की भी विधि बताई ना, सुबह से शाम तक ना हमारी दिनचर्या की भी विधि बताई, हमें किस तरह उठना है, किस तरह बोलना है, किस तरह खाना है, किस तरह चलना है, किस तरह सोना है, कैसे सपने देखने हैं। अब इतनी विधि कौन सिखाता है बताओ, सपने कैसे देखने, आपकी नींद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो भी बाबा सिखाता है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनना है ना, तो हर एक कर्म सिखाता है बाबा। अब इतनी विधि कौन सिखाता है वो सुप्रीम टीचर के अलावा। अब इस विधि के अंदर हमारा कुछ भी जिस हम मिक्सचरिटी कर लेते हैं, मिक्सचरिटी क्या होती है, वही फाइव वाइसेस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इसके बहुत सारे बाल बच्चे ना, ईर्ष्या घृणा नफरत भय चिंता, एनी टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग्स, जो अगर मिक्सचरिटी हो गई संकल्प के अंदर तो सिद्धि हासिल होंगी फिर, यानी सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिल नहीं सकती क्योंकि मिक्सचरिटी हो गई है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड के अंदर एलॉय मिक्स कर दे तो प्योर तो नहीं रहा ना वो, जब प्योर गोल्ड नहीं है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती। 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड और गोल्ड प्लेटेड, सो मेनी डिफरेंस है ना। अब गोल्ड प्लेटेड है और 24 कैरेट गोल्ड है,
कितना अंतर है उसके अंदर वैल्यू में, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचरिटी हो जाती है तो उसकी वैल्यू शक्ति दोनों कम हो जाती है। इसीलिए हमें विधि का ध्यान रखना। बाबा ने हमें क्या विधि सिखाई, बहुत ही सिंपल, एवरीडे रिमाइंड करता है, बहुत सिंपल विधि सिखाई। ज्ञान का नटशेल सिर्फ उतना ही है, नथिंग एल्स। पूरे ज्ञान का सार, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, यही विधि है। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यही विधि बाबा ने हमें सिखाई है। अब हम सारे दिन में अपने आप को चेक करें, कितना आत्म स्वरूप में रहते हैं ना, या दैहिक भान में रहते हैं। अब इसकी प्रोपोर्शन जैसी होगी वैसी हमारी अचीवमेंट की प्रोपोर्शन होगी। आत्मिक स्वरूप में रहना माना क्या? आत्मिक स्वरूप में रहना माना यहाँ पर कुछ स्टार देखते रहना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, करते रहो आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा बन जाएंगे। वो बोलने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, अनुभूति की बात है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। इस अवेयरनेस के साथ कर्म करना ये विधि है, और इसके अंदर बाबा ने फिर जो ऐड किया वो बताया कि मैं आत्मा हूं तो कैसी आत्मा हूं। आई एम पीसफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लविंग सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। अब इस अवेयरनेस के साथ जब हम कर्म करेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, तो कभी भी रिएक्शन होगा, गुस्सा आएगा, आ ही नहीं सकता, बिकॉज उस अवेयरनेस के साथ है, आई एम पीसफुल सोल। इसी तरह से याद है कि आई एम लवफुल सोल, तो हेट्रिड आएगा ही नहीं। स्वीट खाते हैं तो स्वीटनेस को अनुभव करते हैं, स्वीट आपको सार टेस्ट तो नहीं कराएगा, बिटर टेस्ट तो नहीं कराएगा, स्वीट तो स्वीट ही टेस्ट कराएगा। इसी तरह से अवेयरनेस में मेरे हैं, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम पावरफुल, तो उसकी ऑपोजिट अनुभूति नहीं हो सकती। यानी कि दुख ना, या चिंता या अशांति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि स्मृति में क्या है? शांति। स्मृति में क्या है? अवेयरनेस में आई एम लवफुल सो, आई एम पावरफुल सो। तो जितना इस अवेयरनेस में रहेंगे और कर्म करेंगे, ये आत्मस्वरूप स्थिति में स्थित रहने का हमारा प्रैक्टिस है। आत्मस्वरूप में रहना मतलब सिर्फ आत्मा हूं बोलना नहीं है, या यहाँ कुछ देखना नहीं है, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इसका मतलब मैं देखूं किसी को तो उसमें मेरी आंखों में पीसफुल वाइब्रेशंस हो, लवफुल वाइब्रेशंस हो, पावरफुल वाइब्रेशंस हो। देखते हैं ना, किसी को देख करके पता चलता है ना कि ये गुस्से से देख रहा है, या ये ईर्ष्या से देख रहा है, या ये घृणा से देख रहा है, या ये डाउटफुल आई से देख रहा है। आंखों से पता चलता है ना ये कैसे देख रहा है सामने वाला। तो हमारी दृष्टि में क्या हो? पीस। जो भी देखे उसको लगेगा ये कितनी पीसफुली देख रहे हैं ना, कितना लवफुली देख रहे हैं, कितना पावरफुल है इनकी आईज,
देखते थे ना प्रैक्टिकल में, दादियों से मिले हैं आप, दादियों के नेत्र से क्या महसूस होता था ना, सब लोग दृष्टि लेना चाहते थे, वो क्यों? क्योंकि उस दृष्टि में क्या था, उनकी सोल कॉन्शियसनेस अवेयरनेस थी जिसमें पीस था, लव था, प्योरिटी थी, पावर थी, इसीलिए हम दृष्टि लेना चाहते थे। तो दादियों की दृष्टि में देखा, उन्होंने प्रैक्टिकल वो स्वरूप बने, तो सभी उनसे दृष्टि लेना चाहते थे। ऐसे ही बोल दादी गुलजार, दादी प्रकाश मुनि, सब यहाँ पर हमें ORC में विशेष दादियों के साथ रहने का मौका मिलता। देखते थे हम एक एक एक्ट दादी तो कितना पीसफुली, कितना लवफुली, कितना पावरफुली देखते थे। बोलते थे तो भी कितना कम, क्योंकि तो जितना ज्यादा बोलते हैं तो बोलने में एनर्जी ज्यादा जाती है ना, और वो वेस्ट भी हो जाता है, एनर्जी वेस्ट करता है, ड्रेन करता है। तो जैसे बोलने में ज्यादा बोले और एनर्जी लॉस होती है, हम ड्रेन फील करते, ऐसे ज्यादा सोचने में भी एनर्जी ड्रेन होती है। तो दादी को देखा, बहुत स्वीटली बोल रहे, पीसफुली बोल रहे, मैं तो आत्मा हूं ये स्मृति में, आई एम पीसफुल सोल, तो बोल भी पीसफुल निकल रहे, स्वीट निकल रहे, क्योंकि स्वीटनेस में। इसी तरह से कर्म भी करते हैं, किसी को सुन रहे हैं तो भी पीसफुली सुनना, ये सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस है, हम पीसफुली सुन रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, हम किसी को सुन रहे होते हैं, कोई अपनी कोई बात बता रहे होते हैं हम, और हम अंदर में सोचना शुरू कर देते हैं आधी बात सुन करके कि इसको क्या आंसर करना, वो बैकग्राउंड वॉइस शुरू हो गई। अब बैकग्राउंड नॉइस और वॉइस शुरू हो गई, उसके बाद जो सामने वाला बोल रहा है वो ध्यान पूर्वक समझ में आएगा, सुन पाएंगे हम अच्छे से? अब वो बैकग्राउंड नॉइस अंदर चल रही है, इसीलिए अब आगे की बात हमें पूरी सुनने में नहीं आती है, आधी अधूरी बात सुनते हैं और फिर रिप्लाई वैसा ही करते हैं, तो पीसफुल रिप्लाई तो नहीं हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस के कारण से हम उसकी बात को समझ ही नहीं पाए। तो पीसफुली सुनना ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से अगर हम देखें, कर्म कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पीसफुली खा रहे हैं, लवफुली खा रहे हैं ना, पावरफुल महसूस, अपनी पावरफुल अवेयरनेस के साथ बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वेरी सिंपल सिंपल एक्ट, कोई बड़े बड़े एक्ट नहीं कर रहे हैं, महान बनने के लिए कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर रही है, छोटे छोटे काम डिफरेंट तरीके से जो बाबा ने सिखाए हैं उस विधि से हमें करने हैं, उस अवेयरनेस के साथ करने हैं। ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनते हैं ना, कैसे बाबा काम साधारण करते थे लेकिन उनकी स्टेज कितनी हाई होती थी। एक बार जगदीश भाई जी किसी बहुत बड़े ऑफिसर को मिलाने के लिए, बाबा से मिलाने के लिए लेकर आए, बाबा उस समय पर माली का काम कर रहे थे, गार्डनिंग, तो बाबा के पैर में मिट्टी थी, हाथ में मिट्टी थी ना, और कपड़े भी मिट्टी वाले थे। तो बाबा को कहा कि बाबा वो ऑफिसर आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। बाबा ने देखा जगदीश भाई की तरफ और कहा, बच्चे उसको यही ले आओ। जगदीश भाई ने बाबा को देखा एंड ही वॉज लाइक, यहाँ ले आओ ना। तो प्रभु बाबा को तो पता चल गया कि बच्चा सोच रहा है उसको यहाँ कैसे लाऊं। बाबा ने मुस्कुरा के कहा, बच्चे ले आओ, यही ले आओ। तो सचमुच में वो बड़ा ऑफिसर था, वो सामने आया बाबा के गार्डन में, बाबा खड़े हैं, जगदीश भाई खड़े और वो ऑफिसर, और बाबा को देखते ही उस ऑफिसर को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, दिखाई दिया, विष्णु चतुर्भुज है सामने। तो काम क्या कर रहे हैं,
गार्डनिंग का, लेकिन अवेयरनेस में क्या है, वॉइसलेस, मैं क्या बनने वाला, विष्णु चतुर्भुज सत्युग का देवता ना, वो अवेयरनेस में है। तो अवेयरनेस में जो हमारी है सामने वाले को भी वही दिखाई देता है, क्योंकि हम वो देख रहे हैं। तो हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। शिव बाबा ने हमें कैसे देखा, कैसे देखा बाबा हमें, किस नजर से देखता है, आज अभी का हमारा स्वरूप देखे तो बाबा हमसे प्यार करेगा। वो प्यार का सागर हमें प्यार कैसे करता है, हमारे उस स्वरूप को देखकर करता है कि भाई ये क्या बनने वाले। नहीं तो आज कैसे आत्माएं, कितने विकार भरे पड़े हैं मनुष्य आत्माओं के अंदर, कैसे कैसे विकर्मों का बोझ है हर एक आत्मा के अंदर ना, उसको कैरी करके चल रहे हैं, है ना। तो बाबा वर्तमान स्वरूप नहीं देखता, भविष्य स्वरूप देखता है। यही मेरे बच्चे होवनहार देवताएं, हाँ बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम मेरे नूरे रतन, तुम होवनहार देवता हो, तुम मेरे मस्तक की मणि हो। बाबा ने कितने ऊंचे स्वमान दिए हमें, दिए ना। अब वो स्वमान हम सिर्फ मुरली में पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, मुरली रिपीट भी कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें वो अवेयरनेस भी रहता है कि मैं बाबा की मस्तक मणि हूं। हमें याद भी रहता है कि हम शिव बाबा के नूरे रतन हैं। तो अगर अवेयरनेस में रहे, याद रहे, तो हमारे कर्म की क्वालिटी भी अपलिफ्ट हो जाएंगी, एलिवेटेड हो जाएंगे। तो इसी आधार से हम सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी अवेयरनेस में क्या है, जैसे ब्रह्मा बाबा की अवेयरनेस में था ना, तो सामने वाले को भी साक्षात्कार होगी। ऐसे ही हमारी अवेयरनेस में हम याद रखते हैं कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, क्या हमें सारा दिन ये स्मृति रहती है। हम हमारे आसपास जो लोग संपर्क में आते हैं उन सबको भी क्या हम देखते हैं उस अवेयरनेस में कि ये सोल है, जो ब्राह्मण परिवार है वो हमारे देवता बनने वाले, ये आत्माएं भी सत्युगी आत्माएं हैं, ये स्मृति हमें रहे, तो उनके अंदर की देवी क्वालिटीज को हम देख पाएंगे। अगर हम वर्तमान देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, जो वर्तमान में है, किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर इरिटेशन है, किसी के अंदर ईगो है, किसी के अंदर फियर है, वही चीजें दिखाई देंगी। एंड वी आर ओपनिंग द डोर फॉर ऑल दैट नेगेटिविटी। एक डॉक्टर भी होता है ना, तो पेशेंट के अंदर वो बीमारी को समझ लेता है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई काम करनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, उससे काम करता है ना? तो हमें भी क्या करना है, अगर समझो हमने जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पता चल भी गया कि सामने वाले के अंदर ये कमी है, तो हम उस कमी को वर्णन कर रहे हैं या ऑल द टाइम उसको देखते हैं, ये कमी है इसके अंदर, ये कमी है ना, ये हमेशा गुस्सा करते हैं, ये हमेशा गुस्सा करते हैं, या ये हमेशा झूठ बोलते हैं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं ना, हम वही चीज देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं, या उसमें हम उनको मदद कर रहे हैं उस बीमारी को, उस कमी को ठीक करने के लिए। क्योंकि है तो आत्मा ना हर एक ना? कोई संस्कार वश, कोई कर्म के बंधन वश उसके अंदर वो कमी आई हुई है, अब उसको मदद करनी है ना हमें। बाबा ने तो हमें वो सीट पर बिठाया, ब्राह्मण शिव बाबा के नूरे रत्न, तो जो शिव बाबा का काम वो हमारा काम है ना।
जैसे बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस करता है ना, तो हमारे पिता शिव बाबा उसका काम कल्याण करना, तो हमारा भी काम सबका कल्याण करना। साधारण संकल्प होंगे आज के समय के अनुसार, तो साधारण संकल्प भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव विचार भी नहीं, लेकिन एलिवेटेड थिंकिंग चाहिए, सिर्फ श्रेष्ठ विचार और कुछ नहीं। अगर उसके अलावा कोई और चीजें हैं मन के अंदर, वो मन की एनर्जी ड्रेन करती है। जैसे हम एक बकेट में पानी भरना चाहें, उसके अंदर टैप ऑन कर दिया, पानी बकेट के अंदर भर रहा, वी आर वेटिंग कि कब फुल हो जाए, लेकिन वी डिडंट नोटिस कि उसके अंदर होल्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 होल्स हैं, तो पानी सारा उसमें से ड्रेन हो जाता है। कितने भी घंटे खड़े रहो, वो बकेट कभी भी फुल होगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ लीकेज। ऐसे ही हम एवरी डे ज्ञान का अभ्यास करें, इस बकेट को भरे ज्ञान से, लेकिन मेरी एनर्जी ड्रेन कौन सी चीजें कर रही है, उस लीकेज पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, लेकिन फुल हो ही नहीं रहे, फुल नहीं हो पा रहे, उसका रीजन ड्रेन हो रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रहा है, लीकेज है। उस लीकेज को स्टॉप करना है। अगर हमने उस लीकेज को स्टॉप कर दिया, तो फिर हम जो संकल्प करेंगे वो होगा। ब्रह्मा बाबा का यही था ना, जो संकल्प करते सिद्ध होते, पूरा होता। संकल्प से सिद्धि उन्होंने हासिल की। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई, उसमें बाबा विचलित नहीं हुए। एक समय ऐसा भी आया जिसमें यज्ञ में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, ना आटा था, ना दाल थी, ना चावल थी, नथिंग, फिनिश्ड एवरीथिंग ना। बाबा के पास गई दादी, बाबा कुछ भी नहीं है, आटा दाल कुछ भी नहीं है ना, बच्चों का खाने का समय हो जाएगा तो क्या बनेगा। बाबा ने क्या कहा, बच्चे 12 बजे आना, संकल्प है सिद्धि, बच्चे 12 बजे आने। 12 बजे आए ना, क्योंकि 12 बजे पोस्ट आती थी, तो पोस्ट आई, एनवलप आया, उसके अंदर ना पैसे आए ना, बाबा ने बच्चे को दिए, कहा बच्चे को बना दो। तो संकल्प में सिद्धि कि भाई कुछ बाबा के बच्चे हैं, निश्चय इतना है, मेरा काम नहीं है, परमात्मा का कार्य है, बाबा ने जो कराना है वो कराएंगे। बाबा भूखा नहीं रहेगा तो बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा को भोग लगाते हैं ना, बाबा को कभी भूखा नहीं रखता, तो बाबा बच्चों को भूखा कैसे रखेंगे, है ना। तो बाबा हर बच्चे का ध्यान रखता है ना, वो संकल्प हमारे उसमें कितना निश्चय है, कितना हमारे संकल्पों में जो हम फॉर्म रहते हैं, डिटर्मिनेशन हमारा रहता है, विचलित नहीं होते हैं, उतना वो संकल्प में सिद्धि हासिल करते हैं। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई, लेकिन अपने संकल्प से विचलित नहीं होना है। अगर हमारे थॉट में हम डाउट में आ जाते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, दिस क्या, क्यों, कैसे, ये सब जो है ना, ये डिस्ट्रैक्ट करने वाले हमारा फोकस खत्म कर देते हैं। डाउट में आ गए तो एनर्जी ना फिर ड्रेन, फिर वो संकल्प को करने की शक्ति हमारे अंदर रहती नहीं है, इसलिए सिद्धि भी हासिल नहीं होती है। तो हमें 100% सफलता चाहिए अगर, तो 100% निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हमें अपने संकल्पों को ना अटेंशन देना है।
तो जैसे बाबा बताते हैं बच्चों कि कोई भी वातावरण होता है ना, वो पावरफुल बनता है हमारे विचारों के आधार से। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? बाबा ने कहा धैर्यवत होने चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, हड़बड़ हड़बड़ वाले नहीं, तुरंत रिएक्शन में आने वाला नहीं, पेशेंस के साथ धैर्यवत। तो जो जो सिद्धि स्वरूप आत्मा होगी ना, उसकी ये विशेषता होगी, उसके संकल्प धैर्यवत होंगे, तुरंत इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, रिएक्शन में नहीं आएंगे। दादी को भी कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन दादी को रिएक्टिव मोड में नहीं होती थी, ऑलवेज पेशेंस, धैर्यवत। तो गति जो है ना, अगर ज्यादा है विचारों की तो नेचुरली क्वांटिटी भी ज्यादा है, जो हमारे अंदर बर्डन क्रिएट करती है। और कोई चीज बर्डन लेकर चलो आप, इफ यू आर कैरिंग 5 kg, 10 kg और 100 kg ऑन योर हेड, और फिर आप वॉक कर रहे हो, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएंगे और सर्टेन डिस्टेंस के बाद आप बिल्कुल थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसको आगे चलने की शक्ति नहीं रहेंगे, बिकॉज यू आर कैरिंग 100 kg, शक्ति नहीं आगे चलने की, इतना बोझ लेकर के हम चल नहीं सकते। और अगर फ्री है नथिंग बोझ, तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाती, उमंग उत्साह भी बढ़ता है, अब डेस्टिनेशन सामने दिखाई देता है, क्योंकि बर्डन फ्री। तो हम भी कहीं संकल्पों का बोझ लेकर तो नहीं चल रहे हैं, चेक करना, वेस्ट का बोझ, नेगेटिविटी का बोझ, अगर नेगेटिव तो होना ही नहीं, लेकिन वेस्ट का बर्डन ज्यादा आजकल देखते हैं, वेस्ट थिंकिंग, क्यों क्या वेस्ट थिंकिंग, ड्रामा हमें बाबा ने सिखाया है ना, फुल स्टॉप सिखाया है ना, विधि बाबा ने दी है, उस विधि को हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्यों क्या क्वेश्चन मार्क में, एक्सक्लेमेशन मार्क में चले जाते हैं, विधि को अपनाते नहीं, तो सिद्धि कैसे मिलेंगी? तो विधि पूर्वक करेंगे, बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगा दिया तो सिद्धि मिलेंगी, लेकिन हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क में चले जाते हैं, कॉमा 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 करते रहते हैं। इसीलिए अपने को ध्यान रखना है, बोझ नहीं होना चाहिए, जिनके संकल्प में धैर्यवत होंगे उनको बोझ भी नहीं लगेगा, उनके मन में प्रेशर्स भी नहीं होंगे। प्रेशर फील करते हैं ना, तो कैसी स्थिति हो जाती है, जैसे सिस्टम हैंग हो गया पूरा प्रेशर्स से, क्या करे क्या ना करे समझ ही नहीं आता, बुद्धि जैसे कि माया हैंग कर देती है पूरी, कंफ्यूज्ड। जो संकल्प से सिद्धि वाले, धैर्यवत संकल्प वाले होंगे ना, उनके अंदर प्रेशर्स भी नहीं होंगे, बर्डन्स भी नहीं होंगे, और उसके साथ साथ उनकी जो स्पीड है ना, वो भी कंट्रोल्ड में होगी, अनकंट्रोल्ड थॉट्स नहीं आते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विचार, पावरफुल प्योर संकल्पों में स्थित होने का अभ्यास करना, यही तपस्या है, और ऐसी तपस्या ही सिद्धि प्राप्त कराती है। तो हम अपनी एनर्जी को हमें वेस्ट नहीं करना, टू मच थॉट्स क्रिएट करके, वेस्ट थिंकिंग करके अपनी एनर्जी लॉस नहीं करनी है हमको, अपनी एनर्जी को बनाए रखना। जैसे फिजिकल रूप में भी हम अगर देखे, फिजिकल रूप में भी वीकनेस को खत्म करना है तो क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं चेक करते भाई, तो इंजेक्शन लगाते, ग्लूकोज चढ़ाते, उसके अंदर इंजेक्शन डाल देते, एनर्जी मिली, बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाए, है ना।
तो बाबा ने भी हमें इंजेक्शंस दिए हैं, ठीक है ना, अपने आप को वो इंजेक्शन, वो ग्लूकोज देना है, याद कराना है अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। दादी हमेशा याद दिलाती है, मैं कौन, मेरा कौन है ना। अगर ये इंजेक्शन लगा लिया तो फिर सारी वीकनेस खत्म, मैं कौन और मेरा कौन, ठीक है ना। तो मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान की संतान ना? अब कहाँ रही वीकनेस बताओ, खत्म, गायब। तो वेज थॉट्स जो होते हैं ना हमारी, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन अच्छा एक थॉट दे दिया और उसमें सस्टेन हो गए, अपने आप को ना स्थित कर दिया उसमें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं बेफिक्र बादशाह, मैं ना भगवान का बच्चा हूँ, अपने आप को ये स्मृति दिला दी। अब ये स्मृति जितनी श्रेष्ठ है और उस स्थिति में स्थित हो गए, उतने श्रेष्ठ हम बन गए। तो फिर इंजेक्शन लग गया और शक्ति आ गई, तो जो भी डाउट्स फुल थॉट, फियरफुल थॉट, वो सब खत्म हो गए, फिनिश्ड, पावरफुल बन गए। तो अपनी पावर्स को इमर्ज रख, तो तब हम जो बोलेंगे ना, क्योंकि जो सोच रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम, तो बोल की शक्ति भी बढ़ जाती, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना? कई बार क्या होता है, एक ही बात किसी को हम बार 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 बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बोल की इम्पोर्टेंस खत्म होती है, सामने वाले भी इरिटेट होते हैं, भाई एक ही बात कितनी बार बोल रहे हैं, है ना। तो बोल दिया एक बार, ठीक है। तो जब हमारी ये थॉट की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी हाई हो जाती है, तो फिर हमारे बोल में भी सिद्धि आ जाती है, जो हम बोलेंगे वो 100% होगा। ब्राह्मणों को संकल्प की सिद्धि का वरदान, इसीलिए हमारे संकल्पों को हमें बहुत सोच समझ कर, कहते सोच समझ कर बोलो कहते हैं, लेकिन आज के समय में और ब्राह्मणों के लिए, हमारे लिए तो सोचो भी सोच कर हम क्या सोच रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे विचारों से ही, संकल्प से ही हम सृष्टि का निर्माण करते हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर ब्रह्मा बाबा, संकल्प से सृष्टि है ना, हम सब संकल्प कर रहे हैं और वैसी सृष्टि बन रही है ना, है ना। हमारे संकल्पों में हमें सिद्धि हासिल करनी है, तो हमारे संकल्पों को हमें धैर्यवत, एलिवेटेड बनाना है, नो वेस्ट, नो नेगेटिविटी, यूजलेस चीजों को किनारे करना, अपने स्वमान को याद रखते हुए फोकस करके उसमें स्थित होना, और वो अभ्यास को हमें बढ़ाना। जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, और फिर हमारे जो संकल्प है, थोड़ा बोल करके, जैसे दो शब्द भी बोले वो 100 का काम करे, ऐसी सिद्धि बाबा ने मुरलियों में कहा है ना? ये तुम्हारे बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि 2 शब्द भी 100 शब्द का काम। तो जहां 5 वर्ड से काम चलता है, वहां 6th वर्ड नहीं बोलना है। बोल की शक्ति को भी इकोनॉमी करनी है, सेव करना है, संकल्प की शक्ति को भी सेव करना है। जितना सेव करेंगे उतना हमारी पावर्स बढ़ती जाएंगी, हमारे संकल्प में सिद्धि भी आती जाएंगी। तो हमें नॉलेजफुल बन के, पावरफुल बन के, लवफुल बन करके ना सेवा करनी है, ये तीनों चीजें साथ साथ यूज करनी है, नॉलेजफुल, पावरफुल एंड लवफुल। लव के अंदर लॉ भी मिक्स साथ में आ गया। जब ऐसी सिद्धि हासिल करते हैं, और इन तीनों को 3 रूप से याद यूज करना है, मन, वचन और कर्म। मनसा से भी नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, वाचा से भी नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, और कर्म में भी
नॉलेजफुल लवफुल पावरफुल, इसमें अगर डिफरेंस है तो विधि ठीक नहीं है, ये विधि बताइए बाबा ना, कि सोच बोल और कर्म तीनों समान होना चाहिए। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ और है, विधि ठीक नहीं है ना, तो सिद्धि कैसे हासिल होगी? सोचा तो था, जैसे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि 100 में से 100 मार्क्स लेंगे, बोल भी दिया था कि वे मैं डिस्टिंक्शन मार्क्स लूंगा, लेकिन किया क्या? टीवी में, खेलने कूदने में, डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट किया, सिद्धि हासिल होगी? बोल, कर्म, सोच, तीनों में डिफरेंस है, तीनों में समानता लाना ये विधि है, सिद्धि प्राप्त करना है तो इस विधि को यूज करना, थॉट वर्ड एंड एक्शन, इन तीनों में हमें हार्मनी क्रिएट करनी है, सिमिलैरिटी लानी है, और जब ऐसी सिद्धि हासिल करेंगे, ऐसा हमारा विधि होगी तो हमें सिद्धि भी हासिल होगी। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये बाबा की मुरली हम सुनते हैं और काफी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, पर एक एक प्रॉब्लम बहुत हमेशा आता है कि अमृत वेला के लिए ऐसे कौन से डिसीजंस, ऐसे कौन से संकल्प, ऐसे कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें ताकि हम एवरी मॉर्निंग उठ पाए बाबा को याद करने के लिए, क्योंकि कभी कभी अलार्म बजता है, फिर थके होते हुए स्नूज कर देते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा समझाओगे कि दैट गेट्स अ लिटिल बिट इजियर? देखो, जब हम अमृत वेले की बात करते हैं तो अमृत वेला हमारा डिपेंड करता है हमारी पूरी दिनचर्या पर। हम सिर्फ सोचते हैं कि सुबह उठना वो एक टारगेट हमारा, लेकिन उसके लिए हमारा जो ध्यान रखने की बात क्या है, हमारी सारे दिन की दिनचर्या, हमारे सारे दिन की दिनचर्या कैसी है उसका इम्पैक्ट हमारे अमृत वेला पर होता है, और हमारा अमृत वेला कैसा है उसकी इम्पैक्ट हमारे सारे दिन पर पड़ती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर सारी दिनचर्या में हमने अपनी अवेयरनेस के साथ काम किया है और बाबा की श्रीमत के अनुसार चले हैं तो हमारी सुबह भी उतनी ही पावरफुल होंगी। और सारा दिन में अगर हम देखें, अगर कुछ ऐसी वैसी कुछ बातें हो गई है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी अमृत वेले पर पड़ता है, क्योंकि मन में जो कहा ना बोझ लेकर चल रहे हैं, तो बोझ वाला व्यक्ति ज्यादा देर तक चल नहीं सकता है ना। तो अगर अंदर में कोई भी बर्डन है, हम कैरी किया है कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, आज ये मेरा काम जो था सक्सेस नहीं हुआ, आज ये काम फिर रुक गया, एनी एनी टाइप ऑफ बर्डन, एनी नेगेटिव बर्डन, वेस्ट का बर्डन अगर अंदर में है, तो आत्मा शरीर से रात को तो सो गए ना, लेकिन उसके साथ ही हम सोए उस बर्डन के साथ, तो सुबह उठेंगे तो मन तो फ्रेश नहीं है, मन थका हुआ है, बर्डन कैरी किया हुआ है, तो सुबह उठते अलार्म भी बज जाएगा, कान से सुनाई भी देगा, हाथ उसको बंद भी करेंगे, आंखें खोल भी जाएंगी, लेकिन मन कहता है I'm tired, I want to sleep, ना? वो सो जाएंगे, 5 मिनट में उठते हैं करके सो जाएंगे, क्योंकि मन में बर्डन। तो चेक द बर्डन, पहली बात तो बर्डन कोई कैरी तो नहीं कर रहे हैं, और उसको रिलीज करने के लिए जैसे हमारा लास्ट थॉट होता है ना वैसे ही हमारा फर्स्ट थॉट होता है। इसलिए अमृत वेला अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिन का क्लोजिंग है ना वो बहुत अच्छा करना होगा, यानी कि जब हम रात को सोने जाते हैं, बाबा ने, बाबा ब्रह्मा बाबा थे ना, दादियां हमको सुनाती है,
कि बाबा कितना अच्छे से राजकुमार राजकुमारियों की तरह बाबा बच्चों को सुनाता था। बाबा सबको पैर सामने करने के लिए ऐसे करता था, सब बैठ जाते थे बच्चे, तो बाबा चेक करता था सबके पैर साफ है। अगर किसी के पैर में साफ नहीं होते थे, बाबा कहते बच्चे तुम देवता बनने वाले, देवता ऐसे पैर रखकर सोएंगे ना, उनको कहते थे पैर साफ करो। बाबा ऐसे सिखाते थे हर चीज। फिर बाबा मच्छरदानी में धूप लगाकर, एक भी मच्छर अंदर नहीं है, टॉर्च लगाकर देखकर सब निकाल के, ऐसे विधि पूर्वक बाबा दो गीत बजते थे, सो जा राजकुमारी सो जा, योग का गीत बज के बाबा बहुत जैसे विधि पूर्वक सुलाते थे। तो हमारी दिनचर्या की क्लोजिंग कैसी हो रही है हम चेक करें। हाँ, तो फिर अमृत वेला भी वैसा ही होगा। तो हमारी दिनचर्या हम क्लोज कैसे कर रहे हैं, हम अपने फाइल्स को शट डाउन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं अपने मॉनिटर को प्रॉपर, जैसे हम शट डाउन करते हैं तो सारी फाइल पहले क्लोज की जाती है ना। अगर ऐसे ही चले गए तो डेटा करप्ट हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। तो कंप्यूटर को भी बंद करने की विधि है, तो ये शट डाउन करना है, रात को विश्राम लेना है, तो उसकी भी तो विधि है ना, बाबा ने सिखाई है ना वो विधि। तो सारी दिनचर्या बाबा को सुनाओ, चाहे अपनी एक बुक बना दो उसके अंदर लिख दो ना, तो बाबा आज ये हुआ ये किया, अपने मन को खाली करो, बर्डन से फ्री करो, रिलैक्स करो। फिर कोई अच्छी सी मुरली, एक अव्यक्त मुरली का पैराग्राफ या एक छोटी सी मुरली पढ़ करके उसके आराम से फिर बाबा की गोद में सो जाओ। और अपने मन को अलार्म दे दो, स्थूल अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है बाबा के साथ, इतने बजे उठ जाना, वो अपने आप आँख खुल जाएंगे, अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट। डे को क्लोज कैसे कर रहे हैं ना, टीवी देखते हुए कर रहे हैं या मोबाइल देखते हुए या बातें करते हुए या कर्म कॉन्शियस होकर के कर रहे हैं या सारे दिन में जो हुआ उसको सोच के सो रहे हैं। दिस ऑल थिंग्स अफेक्ट अमृत वेला। इसीलिए हमको ध्यान रखना है अपने दिन की क्लोजिंग भी हमारी ओपनिंग का भी आधार है, इसलिए मॉर्निंग की ओपनिंग हमारी वैसी होगी जैसे हमारी क्लोजिंग है। तो रात को हमने अच्छे विचार दे दिए, अगर एक अच्छी सी मुरली पढ़ ली तो शुरुआत आपकी कैसी होगी, वही लास्ट फाइल थी ना आपकी, सुबह ओपन वही होगी जो क्लोज थी। हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है, दुनिया के अंदर भी जो थॉट के साथ आप सोते हो फर्स्ट थॉट आपका वही होता है, आपने चेक किया या नहीं किया देख लेना, जो लास्ट थॉट आपका होता है मॉर्निंग में वही फर्स्ट थॉट आपका होता है, इसलिए क्लोजिंग ठीक तो मॉर्निंग भी ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।